बड़ी खबर से ग्रामीणों ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है। दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी। पकड़े गए संदिग्धों से पुलिस गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। 5 संदिग्ध खरगोन और 1 धरगांव का निवासी बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद मामला जो है तूल पकड़ता चला गया। और ऐसे में यहाँ पर खरगोन मामले में ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है और पुलिस जो है लगातार गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से खरगोन का मामला उठा था और उसके बाद जिस तरीके से स्थितियां जो है बनी हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों के खिलाफ जो है मामला दर्ज करवाया था। ग्रामीणों ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस जो है गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। तो खरगोन मामले में ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों को पकड़ा है और ग्रामीणों ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर जो है पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद जो है मामला तूल पकड़ता चला गया और उसके बाद जो है लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। किस तरीके से अब यहाँ पर कानून व्यवस्था को सुचारू करना है उसको लेकर भी लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान अलर्ट मोड पर नजर आ रहे थे। बैठकें की गई हैं और यहाँ पर तमाम टीमों का गठन भी किया गया और ऐसे में ग्रामीणों ने यहाँ पर संदिग्ध को पुलिस के हवाले किया है। 6 लोगों को पुलिस के हवाले किया गया है और दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी उसके बाद मामला जो है वो बिगड़ता ही चला गया और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो 5 संदिग्ध खरगोन और 1 धरगांव का निवासी बताया जा रहा है और गहनता से पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। तो ग्रामीणों ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है। दंगाइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया, तूल पकड़ चुका है और ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था को किस तरीके से और सुचारू करना है, किस ढंग से इस घटना के बाद से तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्शन मोड में है। लगातार बैठकों का सिलसिला साफ तौर पर देखा गया और ऐसे में ग्रामीणों ने यहाँ पर 6 संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रामीणों ने जिस तरीके से 6 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है, पुलिस भी लगातार अब उन 6 लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है, क्योंकि दंगइयों ने अब यहाँ पर रामनवमी के महापर्व पर जो है पत्थरबाजी की गई थी, जुलूस में पत्थरबाजी की घटना जो हुई थी वो सामने आई थी। 5 संदिग्ध खरगोन और 1 धरगांव से गिरफ्तार हुए। नरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, खरगोन मामले में ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी नरेंद्र? जी बता दूं आपको कि ये खरगोन के मंडलेश्वर थाने का मामला है। यहाँ पर धरगांव गांव है। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ के जो ग्रामीण है उनके द्वारा इन करीब 6 लोगों को संदिग्ध रूप से एक मकान से पकड़ा गया। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस जब वहाँ पे ज्यादा धांधल हुई तो पुलिस के द्वारा हल्का सा लाठीचार्ज भी किया गया। उसके बाद में पुलिस द्वारा ये 6 आरोपियों को खरगोन भेजा गया, जो कहीं ना कहीं खरगोन दंगे के संदिग्ध बताए जा रहे हैं। नरेंद्र, क्या ऐसे में फिलहाल पूछताछ में कुछ सामने खुलासा हो पाया है? जी मैं बता दूं कि देर रात का मामला है। पुलिस इनको खरगोन लाई है। अब यहाँ पर इनसे पूछताछ की जाएगी कि ये किस रूप से वहाँ पे पहुंचे थे और ये कहाँ किस क्षेत्र के रहने वाले और इनके द्वारा किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, ये सभी अभी जाँच का विषय बता रही है पुलिस। ठीक नरेंद्र, जो आज का विषय है और ऐसे में आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी और पकड़े गए संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है ग्रामीणों ने। और पुलिस भी है, देर रात पहुंचकर 6 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। तो खरगोन मामले में ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों को पुलिस के हवाले किया है। जिस तरीके से मामला सामने आया है, पुलिस भी अब लगातार पूछताछ में जुटी है और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। कहां से ये 6 लोग आए हैं इसको लेकर भी तमाम जानकारी जो है मिल सकती है। तो ये बड़ी खबर, खरगोन मामले में ग्रामीणों ने 6 संदिग्धों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया है। ग्रामीणों ने संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और ऐसे में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दंगइयों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की थी और उसके बाद जो है लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो 5 संदिग्ध खरगोन और 1 धरगांव का निवासी बताया जा रहा है।